सो फ्रेंड्स, कैप्चर मैं देखा आया हूँ, शूट कराया हूँ, तो अब आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी कैसी है। आई होप आपको गाड़ी पसंद आएगी, देखते हैं आप कैसी है। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ लैंडमार्क रेनॉल्ट जलंधर के शोरूम में कैप्चर को देखने। और देखते हैं कैप्चर कैसी गाड़ी है, कैसी देखने में है और क्या क्या उसमें अंदर फीचर्स है। ये है रेनॉल्ट की कैप्चर, काफ़ी स्टाइलिश लग रही है गाड़ी। पहली झलक में ही आपको रेनॉल्ट का लोगो मिलेगा फ्रंट ग्रिल के अंदर। फ्रंट ग्रिल को ब्लैक फिनिश दी गई है, डायमंड कट शेप में रेनॉल्ट का लोगो है। उसके नीचे आपको एक क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी। अगर फ्रेंड मैं गाड़ी की विड्थ की बात करूं तो 1813 mm की विड्थ है। गाड़ी की लेंथ आपको मिलेगी 4329 mm की और हाइट है 1619 mm की। व्हील बेस आपको 2673 mm का मिलेगा। आपको क्लैडिंग्स मिलेगी व्हील आर्क के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर मैं इसके बैक सेक्शन की बात करूं, बैक सेक्शन काफ़ी अच्छा बनाया है, गाड़ी को एक अच्छी लुक देता है। और अगर मैं बैक की बात करूं तो बैक में भी आपको रेनॉल्ट का बड़ा सा लोगो मिलेगा। उसके नीचे आपको क्रोम की एक ग्रिल मिलेगी जिसके अंदर कैप्चर का नेम लिखा गया है। उसके नीचे अगर मैं उसके बम्पर की बात करूं, उसमें भी आपको क्रोम कलर की स्ट्रिप मिलेगी। क्रोम के नीचे ब्लैक फिनिश है, ब्लैक के नीचे आपको एक स्किड प्लेट मिलेगी ग्रे कलर की। अगर मैं इसकी डोर के ऊपर क्लैडिंग्स की बात करूं तो उस पर भी आपको एक क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी, मतलब कि ब्लैक क्लैडिंग है उसके साथ आपको एक क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी इन दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। अगर मैं फ्रेंड्स इसके रूफ़ की बात करूं तो रूफ़ और जो साइड मिरर्स है उनके कलर सेम है, और साइड मिरर का कलर बॉडी कलर के साथ नहीं मैच करता है। RXT वेरिएंट में आपको ड्यूल कलर का ऑप्शन मिलेगा, जो छत होगी और साइड मिरर सेम कलर के होंगे। इसमें फ्रेंड्स आपको मिलेगा R17 का अलॉय व्हील्स, 215/60 के सेक्शन टायर पे है, और एक मैसिव 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। फ्रंट में आपको सी शेप्ड LED हेडलैम्प्स मिलेंगे विद फॉग लैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेगी आपको, और बैक की तरह फ्रंट में भी आपको स्किड प्लेट मिलेगी बम्पर के बिल्कुल नीचे। सो फ्रेंड्स, ये कार की टेल लाइट काफ़ी स्टाइलिश लगती है। इसमें आपको नॉर्मल टेल लाइट मिलेगी, LED पैनल नहीं मिलेगा। रिपल इफेक्ट वाली टेल लाइट आपको प्लैटिन वेरिएंट में मिलेगी। उसके नीचे ही आपको रिवर्स गियर लाइटिंग भी मिलेगी जो बम्पर के बीच में प्लेस्ड है। इसमें आपको फ्रेंड्स 1.5 लीटर का K9K DCI डीजल इंजन मिलेगा, 4-सिलेंडर इंजन है, 110 की PS की पावर है इसकी 3850 RPM में, और 240 Nm ऑफ टॉर्क है 1750 RPM में। ये आपको 6-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आएगी, और इसकी कंपनी ने जो फ्यूल इकोनॉमी क्लेम की है वो 20.37 किलोमीटर है। ये फ्रेंड्स एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, डस्टर में ये अपना धमाल मचा चुका है और अब रेनॉल्ट की कैप्चर में भी फिट किया गया है। इसमें आपको 1.5 लीटर का H4K पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 4-सिलेंडर इंजन है, 106 की हॉर्स पावर है 5600 RPM में, और 142 Nm ऑफ टॉर्क है 4000 RPM में। ये 5-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ आएगी और इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो 13.87 है जो कंपनी क्लेम्ड है। गाइस, इसमें आपको 392 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। बूट स्पेस को आप फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हो बीच वाली रो की सीट्स फोल्ड करके, और तब आपको जो बूट स्पेस मिलेगा वो 1352 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा, और आप पार्सल ट्रे को रिमूव करके सीट्स को फोल्ड करके इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। आपको बूट लैंप भी मिलेगा। टायर इसके नीचे फिक्स नहीं है, सो टायर गाड़ी के नीचे फिक्स है, आपको नीचे से निकालना पड़ेगा, अंदर आपको नहीं फिक्स है, अंदर टायर प्लेस नहीं किया गया बूट के अंदर। सो गाइज, नाउ मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ एंड माई गॉड, द कार लुक्स ऑसम टू मी। काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी अंदर से, काफ़ी कुछ मतलब मैं आपको अगर मैं बताऊँ एक वर्ड में तो काफ़ी कुछ किया हुआ गाड़ी के अंदर। एक एक पैनल पे वर्क किया गया है, हर एक चीज़ डिफरेंट लग रही है। एंड इट कम्स विथ स्मार्ट एक्सेस कार्ड की फॉर कीलेस एंड पैसिव एंट्री। इसमें आपको लॉक अनलॉक बूट ओपन का फीचर मिलेगा, और प्लस एक बटन मिलेगा, एक स्विच मिलेगा जिसको आप प्रेस करके रखेंगे तो अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है तो इसके इंडिकेटर्स ब्लिंक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेयर योर कार इज़ प्लेस्ड। तो एक काफ़ी अच्छा फीचर है, और ये काफ़ी यूनिक की है एज़ कम्पेयर टू अदर कीलेस एंट्री कार पुश बटन स्टार्ट वाली गाड़ियों से अलग है इसकी की। एंड सीरियसली द कैबिन लुक्स वाओ टू मी, एंड स्पेशली द डैशबोर्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर द स्टेयरिंग व्हील, काफ़ी कुछ अच्छा बनाया है गाड़ी के अंदर, मतलब यू फील कनेक्टेड विद द कार। एंड स्टेयरिंग व्हील भी कुछ ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, इट लुक्स गुड टू मी। मीटर में अगर आपको मैं बताऊँ तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा टैकोमीटर, जैसे कि आप देख रहे हैं एक बटरफ्लाई आई की तरह मीटर है, तो लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिलेगा, राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मिलेगी कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल रह चुका है। बाकी अदर जो नोटिफिकेशंस होगी मीटर की वो भी आपको डायल्स के अंदर ही मिलेगी।
इस गाड़ी में थोड़ा सा डीजल कम था है ही बहुत, बिकॉज बियरली न्यू कार, तो मैं कुछ आपको दिखा नहीं सकता, इसके अंदर पूरे फीचर्स नहीं दिख रहे। और आपको बीच में आपको स्पीडोमीटर भी मिलेगा, और डिजिटल में मिलेगा आपको स्पीडोमीटर, जिसमें आपको एक अच्छा फीचर है, मतलब कि स्पीड आपको डिजिटल आएगी, बाकी बीच में टैकोमीटर, तो बहुत कम्बिनेशन है डिजिटल एंड डिजिटल और ऑडोमीटर दोनों, मतलब अच्छा ही कॉम्बिनेशन बनाया है। इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन, गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है इसका, जिसमें आपको सारे इन विच गियर यू आर ड्राइविंग, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कराई जाएगी इस मीटर के अंदर। तो एक मतलब कि फुल फ्लेज मीटर है, इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको प्रोवाइड ना कराई जाए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गाड़ी की इस मीटर के अंदर मिलेगी। अगर फ्रेंड्स इसके मैं राइट साइड की अगर मैं डोर्स की बात करूँ, तो डोर्स विंडोज लाइंस काफ़ी वाइड है, और इसमें आपको अंदर से ही साइड मिरर्स को कंट्रोल करने का स्विच मिलेगा, यहीं से आपके साइड मिरर्स को आप ऑटोमेटिकली फोल्ड भी कर सकते हैं और मिरर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके पीछे ऑल फॉर विंडोज़ के आपको बटन्स मिलेंगे, एंड द विंडो लॉक भी आपको यहीं पे मिलेगा, और एक हैंडल भी दिया गया है टू ग्रैब द डोर वेरी वेल। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मतलब यू कैन ओपन द डोर विद यू नो प्रॉपर हैंडल दिया गया है उसको, उसमें भी उन्होंने फिनिश दे रखी है एक ब्लैक कलर की। उसके पीछे आपको स्टिचेस मिलेगी रेड और ग्रे कलर की लेदर रैप। सो एक काफ़ी अच्छा फीचर है इन्होंने दे रखा है, और इसमें आपको यहाँ पे मिलेगी लाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हो, एंड यू गॉट योर इको मोड हेयर। सो उसके साथ आपको स्पीड लिमिटर भी मिलेगा, क्रूज़ कंट्रोल और स्पीड लिमिटर, जिसे आप अपनी लिमिट्स को स्पीड लिमिट को सेट कर सकते हो। उसके साथ ही आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आपके वॉइस कमांड फीचर्स है आप सारे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि नॉर्मल रेनॉल्ट की गाड़ियों में होता है स्टीयरिंग के पीछे ये फिक्स होता है, जिसमें आपको अपने के यू कैन कंट्रोल योर फ़ोन कॉल, रिसीव योर फ़ोन कॉल, डिसकनेक्ट योर फ़ोन कॉल, चेंज द FM चैनल एंड ऑल। फुल लेदर रैप स्टीयरिंग है फ्रेंड्स, उसके बीच में आपको बिग रेनॉल्ट का लोगो मिलेगा क्रोम में, उसके साथ आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिलेगी, और सेम पियानो फिनिश गोज फॉर म्यूजिक सिस्टम एज वेल। पियानो पहले रेड स्टिचेस होगी, उसके साथ पियानो फिनिश होगी ब्लैक कलर में, उसके अंदर आपको रेनॉल्ट का अपना 7 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, और यही रेड फिनिशेस आपको एसी वेंट्स के आसपास भी मिलेगी बोथ साइड पे इन राउंड शेप। बेज और ब्लैक कलर का आपको इंटीरियर मिलेगा इस गाड़ी में, बेज कलर, ब्लैक कलर, रेड फिनिशेस एंड प्लस पियानो ब्लैक फिनिश, और एसी कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल है। व्हेन यू एसी की स्पीड बढ़ाएंगे तो आपकी वो जो स्पीड बढ़ेगी वो उसको आपका डिस्प्ले आपको ऊपर टच स्क्रीन में आएगा, उसके नीचे एसएस कार्ड की लगेगी, उसके साथ ही आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, उसके नीचे आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, एंड टॉप मॉडल में इस कप होल्डर्स के अंदर लाइट भी लगे, इट्स एल्यूमिनेटेड कप होल्डर। 6-speed गियरबॉक्स मिलेगा क्रोम की फिनिश में दिया गया है, उसके नीचे आपको लेदर रैप मिलेगा पूरा कवर, तो रिवर्स आपका लेफ्ट साइड पे जाएगा, बाकी नॉर्मल 6 gear जैसे कि आपने अदर डस्टर गाड़ी में देखे। आर्मरेस्ट अनफॉर्चुनेटली फिक्स्ड है, ये ना आगे पीछे होगा ना इसके नीचे कोई स्पेस है, ये फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, बट एक अच्छी पोजीशन में है। ऊपर आपको मिलेंगे LED लैंप्स मिलेंगे, पैसेंजर के लिए अपना होगा, को ड्राइवर के लिए अपना, ड्राइवर के लिए अपना, सीट बेल्ट वार्निंग भी दी गई है, साथ में ही आपको वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर भी दिया गया है। सो व्हेन यू कनेक्ट योर फोन, योर वॉइस यहीं से वो कैच करेगा जब आप उसको वॉइस कमांड दोगे। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ, इट ओनली ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ एप्पल की डिवाइसेस के लिए है। ऊपर आपको मिलेगा छोटा सा एक स्पेस मिलेगी, जिसमें यू कैन आप अपने कोई पार्किंग कार्ड्स वगैरह या कुछ चेंज वगैरह छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो, अच्छी जगह दी गई है वेयर यू कैन प्लेस योर स्मॉल लिटल थिंग्स। जैसे कि आप देख रहे हो ए पिलर के साथ उन्होंने थोड़ा सा जो विंडो लाइन का पैटर्न थोड़ा बढ़ा दिया है। अगर मैं गाड़ी की बात करूं, मैं गाड़ी में काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं पहले इस गाड़ी को अपने थोड़ी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूं। दिस वुड बी द नाइस कंफर्टेबल पोजीशन फॉर माय कार। सो फ्रेंड्स काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी, जैसे कि आप देख रहे हो शोल्डर रूम इज क्वाइट वाइड, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। अभी गाड़ी को मैंने पूरी नीचे वाली पोजीशन में किया, अभी हाइट नहीं बढ़ाई है गाड़ी की, और मुझे लगता है इसकी हाइट ऊपर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा जिसकी जो स्टैंडर्ड पोजीशन ही काफ़ी अप रखी है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं काफ़ी अपराइट बैठा हूँ, और हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, आई एम 5'10" टॉल, तो अगर 6 feet के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा टाइट होने वाला, बट ज़्यादा इशू नहीं होना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली हाइट इतनी होती है लोगों की, बट फिर भी सीट इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल।
shoulder room is good for me, head room is good for me, and the position and the commanding, और काफ़ी commanding position है गाड़ी की, जैसे मैं बैठा हूँ बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे इस गाड़ी से, क्योंकि मैं काफ़ी अब बैठा हूँ तो विंडोज लाइन मेरे हिसाब से, मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी मुझे नीचे डाउन है, तो काफ़ी वाइड व्यू एरिया दिख रहा है, काफ़ी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आ रही है गाड़ी से। थोड़ा सा मुझे जो ये होता है अपना क्या कहते हैं ये सन गार्ड, मुझे सन वाइजर जो गाड़ी के अंदर लगा होता है, थोड़ा सा मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा शीशा ना इतना वाइड नहीं लग रहा, आगे को ज़्यादा लंबा है बट इट्स नॉट लाइक यहाँ से ऊपर नहीं है, बट कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है। वंस यू गेट यूज टू ड्राइविंग दिस कार तो आपको आदत पड़ जाएगी, एज अ न्यू ड्राइवर आपको थोड़ा बहुत लगेगा, बट जैसे कि अगर आप इसको रोज़ ड्राइव करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। तो अब फ्रेंड्स हम इसकी बैक सीट पे बैठते हैं और देखते हैं कि पीछे आपको कितनी जगह मिलती है, कितनी स्पेस प्रोवाइड की गई है। तो मैं गाड़ी के बैक सीट पे बैठा हूँ, काफ़ी वाइड है गाड़ी, और अगर मैं थाई स्पोर्ट की बात करूँ काफ़ी अच्छा थाई स्पोर्ट है पीछे, विंडो लाइन इज़ गुड, ज़्यादा मेरे को इतना टाइट नहीं फील हो रहा, विंडो एरिया इज़ काफ़ी गाड़ी का अच्छा है, व्यू काफ़ी अच्छा है आउटसाइड देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे बाहर देखने में। आर्मरेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, काफ़ी ऊंचा है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से काफ़ी ऊंचा है, तो मैं ज़्यादा घुस के नहीं बैठ सकता इस गाड़ी में, तो मेरा जैसे आर्म बिल्कुल नीचे नहीं जा रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यू गॉट टू कप होल्डर्स देयर, अगर हम इंडिविजुअल दो पैसेंजर पीछे बैठेंगे तो काफ़ी कम्फर्टेबल फील करेंगे, बट अगर मैं तीन पैसेंजर्स की बात करूँ तो वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल होने वाला। ये देखिए कितनी मेरे को लेग स्पेस मिल रही है, मेरी हाइट के हिसाब से मैंने रखी है, और आप तो देख सकते हो कितनी मेरे को यहाँ जगह मिल रही है गाड़ी में, तो काफ़ी लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है। नीचे का थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा हम पे थोड़ी ऊपर को उठी हुई है ट्रांसमिशन के जो उनके पैनल्स होते हैं, बट इतना नहीं है। पीछे आपको एसी वेंट्स भी मिलेंगे, ये ब्लोअर है या एसी वेंट्स है वो मेरे को पता करना पड़ेगा इनको पूछ के। और तीन अगर यहाँ पे अडल्ट बैठते हैं, तीन अडल्ट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो तीन अडल्ट अगर यहाँ पे बैठते हैं तो काफ़ी कम्फर्टेबल होने वाले हैं, यू वॉन्ट फील टाइट इन दिस कार। एड्रेस्ट है जैसे कि मैंने बताया इंडिविजुअल, पीछे पार्सल ट्रे है, एक आपको यहाँ भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा, यहाँ भी एक छोटा सा आपको ग्लास एरिया मिलता है, तो मतलब कि काफ़ी एयरी फील आती है गाड़ी में, ग्लास एरिया हर जगह पे उन्होंने छोटे छोटे ग्लास एरिया फिट किए हैं, जिससे यू डोंट फील टाइट कि गाड़ी के अंदर रोशनी नहीं आ रही। सो काफ़ी खुली बनाई है गाड़ी को, कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया है, खुली डुली बनाई है, पिछली सीट के पीछे आपको पॉकेट्स भी मिलेगी, काफ़ी गुड अच्छा फीचर है। सो बैक कंफर्ट की बात करूं काफ़ी खुली है कार, कहीं से भी टाइट नहीं है, फ्रंट सीट्स भी खुली है, सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड कार विद एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन द कैप्चर। फ्रेंड्स अब मैं इसके फ्रंट सीट पे आ चुका हूं, को ड्राइवर सीट में, अब हम इसका ग्लव बॉक्स चेक करते हैं। ग्लव बॉक्स काफ़ी छोटा है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी छोटा नहीं बहुत ही छोटा है, और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, और ये एक इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स है, मतलब इसके अंदर बल्ब भी रखा गया है, इट्स इल्यूमिनेटेड, जो रात को अगर आप ड्राइव करोगे तो आपको इसके अंदर कुछ ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, बट ये वैसे भी बहुत छोटा है, तो इतना कुछ आपका सामान आए, एक दो कैंस वगैरह ही आएंगे, ये कुछ मैनुअल्स थे, फर्स्ट एड किट थी, अब हम इसको बंद करते हैं। फ्रंट में आपको दो एयरबैग्स मिलेंगे, को ड्राइवर सीट और ड्राइवर सीट में। अगर मैं फ्रेंड्स इसके टच स्क्रीन की बात करूँ, इसमें आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, ना आपको इसमें एप्पल कार पे ना एंड्रॉयड ऑटो कोई फीचर नहीं मिलेगा, इसमें आपको रेनॉल्ट के अपने ही फीचर मिलेंगे, रेडियो, मीडिया, नेविगेशन और फ़ोन कनेक्टिविटी होगी, सिर्फ आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन रिसीव कॉल्स एंड डिसकनेक्ट द कॉल्स, एंड यू कैन कॉल समबडी वाइज योर वॉइस, बट वो सिर्फ आपका एप्पल के फ़ोन्स में ही चलेगा। नाउ वी हेयर द म्यूज़िक क्वालिटी ऑफ द म्यूज़िक सिस्टम। सो जैसे आपने देखा कि म्यूज़िक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको आर्केम्स का 4 स्पीकर 2 ट्वीटर्स का सेटअप मिलेगा, म्यूज़िक क्वालिटी अच्छी है, ज़्यादा अगर आप हाई करते हो म्यूज़िक क्वालिटी तो आपको म्यूज़िक आपका फटता नहीं है, स्पीकर फटते नहीं है, यूएसबी ऑक्स का फीचर भी आपको म्यूज़िक सिस्टम के टच स्क्रीन के ऊपर ही मिलेगा, सो इट्स अ गुड म्यूज़िक सिस्टम ओवरऑल। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक फुल व्यू दिखा रहा हूँ गाड़ी के इंटीरियर का, जिसमें आपको पूरा क्लियर से मैं आपको एक फ्रेम में आपको पूरी पिक्चर दिखा रहा हूँ इंटीरियर की। सो आई होप आपको ये गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी पसंद आ रहा होगा।
सो गाइज ये थी रेनो की कैप्चर आपके लिए। मैं इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं ले सका क्योंकि डेमो व्हीकल अवेलेबल नहीं था। जैसे ही डेमो गाड़ी आएगी मैं इसकी टेस्ट ड्राइव भी आपके लिए लेके आऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा। वैसे अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, डस्टर में उसने अपना कमाल दिखाया हुआ है। तो जब डेमो व्हीकल आएगा तो मैं उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर लूँगा। सो फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने बड़े प्यार से बनाया, तो जे थानू वधिया लगता तो इनू दब के लाइक करो, दब के शेयर करना हैगा, तो डू सबसक्राइब टू माई चैनल फॉर माई अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। Stay happy, enjoy your life. Roaster Varun signing off. Jai Bajrangbali.